ये है भाई इनका द बेंडर। वाह 440 का बर्गर, जरा डिप करके एक बारी देख लेते हैं। तो भाई बात है कुछ ऐसी, मैं हूँ आजकल नोएडा में, बट बेसिकली अपन है देहरादून से, ठीक है। और अगर अपन देहरादून वाले को कोई भी पूछे ना कि आपका फेवरेट बर्गर कहाँ का है, तो भाई कुछ गिने चुने नाम आते हैं, जैसे मैकडी, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, यही सब नाम है। लेकिन भाई दिल्ली में एक अलग ही कहानी है। इधर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इन मेन लीडिंग ब्रांड्स को बहुत पीछे छोड़ रखा है, जैसे कि अपना गुड फ्लिपिन बर्गर, लोई बर्गर, चार्ड्स, फैट गाय, मतलब टॉप 10 में जो नाम थे ना, उनमें ये लीडिंग ब्रांड्स कहीं भी नहीं आते। बट मुद्दे की बात और खुशी की बात कुछ ऐसी है कि टॉप 5 की लिस्ट में जो ये बर्गर रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें से दो हैं जो भाई इधर नोएडा भी डिलीवर करते हैं। तो उन्हीं दो से मैंने कुछ आइटम्स मंगा रखे हैं, साथ में एक अपना कहीं और से डेजर्ट का फेवरेट आइटम मंगा रखा है। भाई आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि भाई ये ऐसे क्या बर्गर बनाते हैं जो इन्होंने मैकडी, बर्गर किंग, बर्गर सिंह सबको फेल कर रखा है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट। सबसे पहले जो ब्रांड है वो है गुड फ्लिपिन बर्गर, और सेकंड ब्रांड अभी आ रहा है। दूसरा ब्रांड है अपना बर्गर रामा, बर्गर्स दैट आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेट्स फाइंड आउट राइट ऑफ द बैट। वेरी वेरी नाइस पैकेजिंग, मतलब वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो इनकी पैकेजिंग देखो यार, बढ़िया कर रखी है। सामने से कुछ ऐसा है, गुड फ्लिपिन बर्गर, लुक एट दिस पैकेजिंग इनकी। बर्गर रामा भाई यार, यहाँ देखो, यहाँ नाम दे रखा है बर्गर रामा, और इसकी भाई इस पूरे की एक अलग से पैकेजिंग है, वेज की और नॉन वेज की अलग है। तो वेज वाले में अपने सारे के सारे वेज के आइटम्स हैं, जिसमें से ये है भाई अपना फार्म्सवर्थ, और नॉन वेज में भाई यहाँ सब के सब अलग आइटम्स हैं, जिनमें से ये है अपना द बेंडर। सेम इसमें ये देखो, साइड्स के लिए एकदम अलग कर रखा है, साइड्स और गैलेक्सी बॉम। ये है अपना अनियन रिंग्स, आज तक तो मैं खाया सबसे बेस्ट फ्राइड। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपने पास बर्गर रामा से इनका फार्म्सवर्थ। भाई ये पिक्चर में जैसा दिख रहा था और अभी जैसा दिख रहा था, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसके बाद है अपने पास द बेंडर। भाई साहब ये फोटो में मैं बहुत मैसिव लग रहा था, बट सामने से ये काफ़ी ज़्यादा पिद्दू सा लग रहा है। और हाँ, इसमें एक ऑप्शन आता है अपना बेकन का, आप उसको हटवा भी सकते हो, तो इसमें से मैंने बेकन हटवा रखा है। दिखने में ऑल दो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, बट फोटो से कमी है। इसके बाद है अपने पास गुड फ्लिपिन बर्गर का द क्लकिनेटर। भाई इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस बर्गर, और ये जैसा पिक्चर में दिख रहा था उतना ही या फिर उससे और ज़्यादा अच्छा मुझे सामने से दिख रहा है। इसके बाद है अपने पास इनका द चीज़ बॉम। अगेन ये भी भाई फोटो में जैसा दिख रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही ये सामने से दिख रहा है। तो विजुअली गुड फ्लिपिन बर्गर ने अपना लेवल सेट कर रखा है भाई, जैसा ऑनलाइन है वैसा ही ऑफलाइन दिख रहा है। अभी सर इनके यहाँ से मैंने मंगा रखे हैं इनके चीज़ी फ्राइज और इनका पेरी पेरी क्रिस्पर्स। बर्गर रामा से मैंने मंगा रखे हैं इनके अनियन रिंग्स। वहीं पीछे की साइड देखने तो फिर भाई इनके डिफरेंट चीज सॉसेज हैं, प्लस भाई ये है अपनी बटर चिकन की ग्रेवी। ये बर्गर जरा इनमें डिप करके खाएंगे, और साथ में ये रहा अपना फेवरेट डेजर्ट, ये रहे भाई गुलाब जामुन, मैसिव गुलाब जामुन, और नीचे रबड़ी रखी हुई है। इनका साइज़ मैं आपको एंड में दिखाऊंगा भाई। मेरा ना बड़ा मन कर रहा है कि मैं किसी बर्गर का तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं। ये है द चीज़ बॉम का क्रॉस सेक्शन। हेलो गाइस, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट इन फ्राइज के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। भानु भैया अभी यहाँ से फ्राइज खा के गए। और भानु भैया का स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने जिंदगी में इससे बेटर फ्राइज नहीं खा रखे। एंड सडनली आई थिंक मैं भी ये बात बोल सकता हूँ भाई, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। ओह जो मुझे विजुअली लीस्ट लग रहा है मैं उससे स्टार्ट करूँगा, और जो बेस्ट लग रहा है उस पर एंड पे जाएंगे, ठीक है। क्रिस्पर्स, ये रहा इनका फार्म्सवर्थ। अंदर से देख लो भाई, अंदर है पिकल, लेटस, चीज, एक अपना कैप्सिकम एंड पनीर पैटी शायद से। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज। हो
नाइस भाई, बर्गर डिप के साथ इतने बेहतरीन होते हैं ना। बहुत प्राउडली बोलूँ या क्या बोलूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वेजिटेरियंस के लिए ना इतने ऑप्शन है ना जिसका हिसाब नहीं है भाई। ये बर्गर ना नॉन वेज बर्गर की टक्कर का है, बल्कि बहुत से ब्रांड्स के नॉन वेज बर्गर से ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ये बर्गर। बन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर की पैटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब घुल जा रही हूँ मैं। चीज़ डाल रहा है लेकिन चीज़ का टेस्ट ओवर पावर नहीं कर रहा है, अमेजिंग। ज़रा इसका भी क्रॉस सेक्शन देखें, द बेंडर, ये है भाई इनका द बेंडर, भाई दिख तो बेहतरीन रहा है। वाह जी वाह भाई, आप इसमें देख सकते हो एक एग की लेयर है, बाकी चिकन की दो पैटी है, कैरमलाइज्ड अनियन है, लेटस है, चीज है। लेट्स डाइव इनटू दिस। भाई ये बर्गर है 440 रुपए का। टेस्ट की बात करूं बहुत बढ़िया है, अनडाउटेडली मज़ा आ रहा है खाने में। बन वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एक नया बढ़िया सा टेस्ट है। पिकल्स डाल रखे हैं, सब कुछ परफेक्ट है प्राइस को छोड़ के। मेरा हाथ देखो, ये इतना सा बर्गर है, मतलब हाथ इसलिए दिखा रहा हूँ कंपेयर कर सकते हो, उस हिसाब से 440 का बर्गर भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं। बट एनीवे, जब बटर चिकन रखाई है तो ज़रा डिप करके एक बार ही देख लेते हैं। अरे हाय, ये हुई ना कुछ बात। सॉरी मैसी हो रहा है, बट कांट हेल्प इट ब्रो, कांट हेल्प इट। अगेन डिप, भाई अगेन इसमें बेकन भी डलता है, बट आप पे ऑप्शन होता है कि आप रिमूव करवा सकते हो, मैंने रिमूव करवा दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें जो ना तो मैंने कभी ट्राई करी हैं, ना ही मैं कभी ट्राई करना चाहूँगा आगे। ओ भाई, मैंने 440 रुपए खा लिए अभी अभी तुरंत। दोनों ही ब्रांड्स ने जो साइड्स बनाई हम, इनके बर्गर हों चाहे अनियन रिंगो, बेहतरीन। अगर आप पे इतना पैसा है इस चीज़ में खर्च करने के लिए एक बर्गर में, मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ, नॉर्मल टाइम की बात हो तो आई थिंक मैं नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर आप पे है और आपको बर्गर का एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस चाहिए, देन गो फॉर इट। साथ में इनके अनियन रिंग में मंगाना, चीज सॉस में मंगाना। द बेंडर है 440 रुपए का और फार्म्स वर्थ है 309 रुपए का। ये वेज बर्गर 309 रुपए का था, तो अगर आप समझ पाओ तो समझो मेरी भावनाओं को, मेरे लिए थोड़े से महंगे थे। ये है भाई गुड फ्लिपिन बर्गर का चीज़ बॉम्ब, ये है 295 रुपीस का, मतलब अपने बर्गर आमा के वेज बर्गर से ये 9 रुपए सस्ता है। बट आप इसमें चीज़ देख रहे हो भाई साहब, थोड़ा सा चीज़ सॉस। मैंने सेम चीज़ सॉस की छोटी सी डब्बियों में बर्गर आमा के बर्गर डिप करे, बहुत ही अग्रेसिवली, मतलब ऐसा कुछ प्यार नहीं दिखाया भाई, नहीं टूटा उनका बर्गर। बट इनका बर्गर फर्स्ट डिप में ही टूट गया, एक बड़ा डिफरेंस। बट एनीवे, थोड़ा सा चीज़ और ये फ्राई लगा के देखते हैं।
मेरे हिसाब से बर्गर रामा बेटर हुआ ओवरऑल। जो एक अमेलगमेशन होता है, जो एक मतलब बर्गर जब बनाते हैं, एक मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जब वो एक साथ मतलब एक सार आ जाए ना तो ही मज़ा आता है। और बर्गर रामा में ना वो हर एक चीज़ की जो मात्रा डाली गई है वो सब कुछ भाई बहुत ही ज़्यादा एप्ट है। वहीं इधर चीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इसके बन ने ना वो थोड़ा मूड सा ख़राब कर दिया। कई बार भानु भैया और मैं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं चीज़ों में, उनको बुलाते हैं और इनके बारे में पूछ लेते हैं। तूने वाला खत्म भी कर दिया बर्गर? नॉन वेज वाला? हाँ हाँ भाई, वो तो बहुत छोटा था, बहुत लाइट था। और मैंने तेरे को बोला था ना एक एक करके करना, रुका नहीं जा रहा था, मतलब इतना अच्छा है, टेस्टी तो था उसमें। एलोपिनो एलोपिनो देखो भाई, इसमें दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, चिकन बिल्कुल वाइट दिख रहा है। क्लकिनेटर आपको बुलाया गया है वेज में कंपैरिजन करने के लिए। साइड्स तो दोनों के बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हो रहे हैं यार, सब ही हो जाएगा। मेरे को ये बहुत मस्त लगा यार फ्राइज, फ्राइज बिना किसी चीज का खा भाई। तेरे को उसमें कुछ अलग सा फ्लेवर आया, पता नहीं क्या ही डाल रहा है ना। चलो वेज है ना, नहीं पहले ये खाओ, वो तो कम है। तो क्रीमी है यार, चीज बॉम्ब, आपके बाइट सुनाई नहीं देते। करो चलो, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, मतलब पैटी पता नहीं चल रहा किस चीज के, बहुत मस्त है। अब ये ट्राई करो, आधा ही बाइट खाना, मैं एक में खत्म कर लूं। बहुत टेस्टी लग रहा है, दिखा दो कितना मचा है, बहुत टेस्टी है। मेरे लिए दोनों सेम लेवल पे थे, बट बर्गर रामा जीत गया। ये बर्गर रामा है सिर्फ और सिर्फ बन की वजह से, इनका बन उखड़ रहा है, और अभी अब खाओगे ना तो आपको वो सूखा सूखा लगेगा। इसका बन का टेस्ट तो एग्जैक्टली वैसा जैसे घर पे सेकते हैं। हाँ, और वो सूखा भी है, मतलब इसमें मैंने डाला ना तो वो टूट जा रहा है। मगर मुझे बस क्रीमी टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगा, जब पैटी वैटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमने बेचारे को वही चीज़ बॉम ही ऑर्डर करा तो ये तो चीज़ की पैटी होगी, इसलिए हम उस प्लैंक में नहीं रख सकते। खा लो खा लो यार, तुरंत चूंगा। ऐसे हाथ आया, क्रॉस सेक्शन देख लो भाई, शक्ल देख लो कुछ ऐसी। देख लो इसका भी बंद, देखो उखड़ने लग गया, वो हाथों में चिपक रहा है। 325 रुपीज का, और वो था 440 का इनका। बट वो दिखने में भी लग रहा था कि थोड़ा बर्गर रामा, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ कुछ इसके बन शायद उतना बढ़िया क्वालिटी के, या पता नहीं क्या है। पैटी कैसी है? ड्राई, देखने से ड्राई लग रही है, अंदर बिल्कुल वो जूसीनेस नहीं है, दांतों में चिपक रही है, वो देख के लग रहा है। मैं रिग्रेट हो रहा, मैंने पूरा क्यों खा लिया, तेरे को पहले ही बोला था भाई थोड़ा थोड़ा रखियो ताकि कंपैरिजन भी फेयर हो। चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है। गुलाब जामुन खाने? नहीं भाई, पागल हो गए। पूरा इतनी सारी चीज का क्या करेगा सर, मैं बर्गर की बात कर रहा हूँ। खा ले भाई, आपको साइड से दिखने में बन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बन। स्टार्टिंग में मेरे को भी वही फीलिंग आ रही थी, बट एक्चुअल में वैसे है नहीं। अगर टेस्ट टेस्ट की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आप रिग्रेट करोगे, लेकिन प्राइस की बात की जाए तो ये बर्गर है 325 रुपये का,
और 325 रुपए के बर्गर में ना मैं ऐसा बन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ भाई जो ऐसे टूट जाए, समझ रहे हो? ये देखो सोचो कितनी अजीब चीज़ हुई है मेरे साथ। मैंने बोला था विजुअली जो मेरे को सबसे कम अच्छे लग रहे होंगे मैं उनसे स्टार्ट करूँगा, तो मैंने बर्गर आमा से स्टार्ट किया एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम रियलाइजिंग कि वही बेटर हो रहे थे। गुड फ्लिपिन बर्गर, गुड बर्गर्स बट क्वालिटी में बर्गर आमा का नॉनवेज बर्गर अपने इधर गुड फ्लिपिन बर्गर के नॉनवेज बर्गर से 115 रुपए महंगा था। बट स्टिल अगर मेरे को चॉइस दी जाए कि बर्गर आमा का या फिर गुड फ्लिपिन बर्गर का, मेरा आंसर बर्गर आमा होगा। ऑल दो महंगे बट भाई एनी टाइम बर्गर आमा। और इधर अपना फ्लैट के पास हरिया, हाँ हरिया नाम से, उनके यहाँ मिलते हैं ये इतने बड़े गुलाब जामुन। मैंने पहली बार देखे उन्हीं के यहाँ देखे। साइज़ देखो ज़रा इनका भाई। और अगर किसी ने ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कराए ज़रूर ट्राई करके देखें। गुलाब जामुन होना चाहिए गर्मा गर्म और रबड़ी होनी चाहिए एकदम ठंडी। लुक एट दिस, इधर दिखेगी नहीं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन ऐसे घुलता है ना मुंह के अंदर और ठंडी ठंडी रबड़ी। उस गर्माहट को बैलेंस करते हैं। कैलरीज भी मैंने इजीली 4000 के करीब आज कंज्यूम कर लिया। बर्गर आमा मेरे हिसाब से अल्टीमेट विनर रहा आज इन दोनों के बीच में। एनीवे आई जस्ट होप आप लोगों को आज का वीडियो यार पसंद आयो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड I'll get you guys on to the next one. Peace!